एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है उसको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे बोलना चाहती हूँ। पहली बात है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सारा साल हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी ये करते हैं, पर जब भी क्रिसमस और आपकी न्यू ईयर आती है तो आप सोचते हैं कि सारा साल इतना मेहनत किया, बस कुछ केक खाने के चक्कर में कहीं मेरा पूरा का पूरा साल का डाइट तो नहीं खराब हो जाएगा। तो मैं आप ही के लिए लेकर आई हूँ एक ग्लूटेन फ्री प्लम केक। बिल्कुल ग्लूटेन फ्री प्लम केक आज बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी रेसिपी, और आप इसे मजे से एंजॉय कर सकते हैं आप क्रिसमस में भी और न्यू ईयर में भी। अगर आपको ऐसी हेल्दी अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें यूज करेंगे उसको पहले कट कर लेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे, मेरे पास है ये किशमिश जो नॉर्मल किशमिश है, फिर है मेरे पास ये ब्लैक रेजन्स काला किशमिश, यहाँ पे है मेरे पास कुछ क्रैनबेरीज, ये अनस्वीटेंड है, ये इसमें बिल्कुल भी चीनी के सिरप में ये नहीं डूबा है, ये बिल्कुल ड्राइड क्रैनबेरीज हैं, और ये है आपके पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, और यहाँ पे मेरे पास है ये डेट्स, मैंने ये चार डेट्स यूज किए हैं, कुछ आलमंड्स और कुछ कैश्यूज। अब हम इनको कट कर लेंगे, और बता दूं अगर आप इनमें से कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसी में करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, ये अच्छे तरीके से कट हो गए हैं, इसे फाइनली चॉप करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास है दो इलायची और चार से पांच इसमें ये लौंग है, और हमें चाहिए सिनेमन स्टिक। मेरे पास सिनेमन पाउडर है इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। इसे हम फाइन इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई मिक्स को रेडी करते हैं। तो इसमें मेरे को चाहिए रागी, मैं लूंगी 3 स्कूप जितना रागी, ये कम से कम 200 ग्राम, 200 से 250 ग्राम जितना रागी है। अब इसमें डालेंगे जो मैंने पीस लिया है, कार्डमम है इसमें, इलायची, 2 इलायची, 4 लवंग और 1 दालचीनी की स्टिक थी, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। डाल के इसे अच्छे से छान लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस स्टेप को मिस कर देते हैं और इसमें जो अगर छोटे छोटे लम्स होंगी तो इसमें केक का जो है टेक्स्चर खराब हो जाएगा। देखिए इसमें कितना रेसिड्यू बच गया है, ये चीज़ आपके अगर केक में जाए तो केक खराब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ऑरेंज जूस निकालेंगे। मैं फ्रेशली फ्रेश ऑरेंज जूस निकालूंगी, आप चाहे तो पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट हेल्दी वर्जन है तो प्लीज़ पैकेट वाला यूज़ मत करिए, फ्रेश बनाइए। ये 2 ऑरेंजेस है, इसका मैं जूस निकाल लूंगी। जूस मैंने निकाल लिया है, 2 फ्रेश ऑरेंजेस का जूस। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। गैस मैंने चला दिया है और ये है जैगरी पाउडर, ये है 100 ग्राम के जितना जैगरी पाउडर। अब हम इसमें इसे पैन में डाल के अच्छे से फैला लेंगे, और इसमें 3 से 4 चम्मच जितना हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, डाल के इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। इसे कॉन्स्टेंटली हम स्टर करते रहेंगे। अब इसमें हम जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे और बेरीज थे हम इसमें सब मिक्स कर देंगे। मैंने सब बेरीज इसमें डाल दिए हैं। बेरीज डालने के बाद हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक ही इसको रखेंगे और ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जो गुड़ है वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी और इसे फिर यूज़ करना बड़ा टफ हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत क्रूशियल स्टेप है, वो है कि आप अपना जब नेक्स्ट मिक्स तैयार करने जाएंगे, अपना ड्राई मिक्स को जब तैयार करेंगे, तब आप इसको, आप एक पैन को लिड लगा के रख देंगे, हम 10 मिनट तक इसे प्री हीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे इसमें एक छोटा सा होल था, मैं इसे बंद कर दे रही हूँ, करके हम इसे प्री हीट होने देंगे, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे बैटर। बैटर में सबसे पहले हम डालेंगे ये ऑरेंज जूस, धीरे धीरे करके इसे डालेंगे। अब हम इसमें ये थोड़ा सा मिल्क लेंगे, मैं मिल्क यूज कर रही हूं एकदम स्किम्ड मिल्क, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते रहेंगे। देखिए दूध डालने का कोई माप नहीं है, आप जैसे बैटर बनाते हैं वैसे धीरे धीरे करके दूध डालेंगे ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी आ जाए। हमें ज़्यादा इसे फ्लोई भी नहीं करना है और ज़्यादा इसे
मतलब थिक भी नहीं रखना है, ये थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी में रहेगा, हमें उतना धीरे धीरे करके दूध डाल के हम इसे आगे बढ़ेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें जिंजर जूस, आप चाहें तो सौंठ का पाउडर या जिंजर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जिंजर को ग्रेट करके फ्रेशली उसका जूस निकाला है, 1 इंच जितना टुकड़ा था उसको निकाल के मैंने अब इसमें मैं मिला रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे ये वनीला एसेंस, 5 से 6 बूंदे हम वनीला एसेंस की डाल देंगे इसमें करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने जब उसे मिक्स कर लिया है तो ये जितने भी बेरीज और ड्राई फ्रूट्स थे जिसको मैंने जैगरी पाउडर में मिलाया था, अब हम उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मैंने सब कुछ इसमें ट्रांसफर कर दिया है, अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मैं बस इतना चुटकी भर जितना थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे इनो, इसमें हम थोड़ा सा इनो डाल देंगे 1 चम्मच जितना करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास 6 इंच का ये केक टिन था, अब मैं इसमें फॉइल पेपर से इसे अच्छे से कवर कर लूँगी मिक्स को डालने से पहले, पूरा का पूरा बैटर इसमें ट्रांसफॉर्म कर लूँगी। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आपको पता लग रही होगी, ये तो ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स इसको ऊपर से थोड़ा सा सजा लेंगे। बैटर एकदम तैयार है, एक बार जस्ट हल्का टैप कर लेंगे ताकि कोई गैप्स हो तो वो फिल हो जाए। अब हम इसे अपने प्री हीटेड कढ़ाई में जिसको मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रखा था, अब हम उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं इस लिड को खोलूंगी, खोलकर अपना मिक्स इसमें डाल दूंगी बहुत ध्यान से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और आपको केक बनाने में कम से कम 45 से 50 मिनट लगेंगे, तो तब तक थोड़ा धैर्य रखेंगे और धीरे धीरे इसको हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में। पर हम लिड खोलकर चेक कर लेते हैं, मैं इस टूथपिक की मदद से इसे चेक करके देखूंगी। अभी भी ये थोड़ा बैटर कच्चा है, हम इसे और 10 से 15 मिनट तक रखना पड़ेगा। इसे मैं फिर से इसे ढक दे रही हूँ, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, अब मैं फिर से इसे चेक करके देखूंगी। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आ गया है, मतलब ये बन चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, नहीं तो केक टूट जाएगा। केक एकदम रेडी है और ठंडा भी हो गया है, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। पहले देख लेते हैं साइड से, थोड़ा चाकू डाल के मैं इसको देख ले रही हूँ तो कहीं से चिपका तो नहीं है। इसे डीमोल्ड करूँगी। रेडी है ये ग्लूटेन फ्री रागी का प्लम केक, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये देखिए केक कितना सॉफ्ट है और स्पंजी भी, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं इस क्रिसमस में बिना गिल्ट के। ये बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही यम्मी भी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको कोई गिल्ट नहीं होगा। आप क्रिसमस में ही खाइए और इसे न्यू ईयर में भी खाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। मैं फिर मिलूंगी आपको इसी तरह की एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।